तो वही जोधपुर में कैसा है मौसम का हाल, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव कौर। पिछले दो दिनों से मौसम के बिगड़ने और बदलने के साथ ही सूर्यनगरी जोधपुर में भी असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से जोधपुर शहर को आपको यहां से दिखाने की कोशिश करें तो धुंध साफ तौर पर नज़र आने लग गई है। पिछले दो दिनों से जब बूंदाबांदी हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों जब ओले पड़े, उसके बाद में ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ मौसमी बीमारियों का जो कहर है वो भी शुरू हो गया है। डेंगू और टाइफाइड के मरीज तो रोज़ाना सामने आ ही रहे थे, मगर अब स्वाइन फ्लू और सर्दी जुकाम के भी जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सर्दी के कपड़े भी जो हैं वो बाहर निकल गए हैं। आप देख भी सकते हैं जिस तरीके से जो लोग हैं सर्दी के कपड़े उन्होंने बाहर निकाल लिए हैं। और कहीं ना कहीं आती और जाती जो ठंड होती है वह घातक होती है, क्योंकि आती और जाती सर्दी जब लग जाती है तो उसका इलाज लंबे समय तक चलता है। और इस वक्त जब स्वाइन फ्लू हर सर्दी के मौसम में पैर पसारता तो ऐसे में कई तरह की चुनौतियाँ वो भी सामने आ जाती है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि इस वक्त सूर्यनगरी जोधपुर में भी ठंडी हवाओं के साथ साथ बादल और सूरज के बीच में आप देख सकते हो कि जो लुका छुपी का दौर चलता है उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का खतरा रहता है कि मौसम अगर फिर से बिगड़ गया तो कहीं नुकसान नहीं दे दे। और जिस तरीके से लोगों को केयर करने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि वे हर हाल में सर्दी से अपना बचाव करें, जुकाम से बचाव करें, जो पानी आता नाक से उसका बचाव करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू की यही वो लक्षण है जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। मानसिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।